वर्ल्ड बाइसाइकिल डे ऑब्जर्व्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, मतलब वर्ल्ड बाइसाइकिल डे ऑब्जर्व होता है कौन सा दिन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 3 जून। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको लेकर डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे हर साल दुनिया में कब मनाया जाता है, 3 जून। ठीक है, इस डे को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि देखिए बाइसाइकिल यूज प्रोमोट करने के लिए इस डे को मनाया जाता है, क्योंकि जितना आपका बाइसाइकिल यूज बढ़ेगा उसमें क्या होगा, आपका हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और ये जो है एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि बाइसाइकिल में कोई आपका पेट्रोल डीजल यूज नहीं होता है, इसमें क्या होता है, एयर पोल्यूशन नहीं होगा और इसमें एनवायरमेंट जो है आपका एयर पोल्यूशन फ्री रहेगा। तो इसलिए इस अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए, प्रोमोट करने के लिए क्या हुआ कि वर्ल्ड बाइसाइकिल डे 3 जून में मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते इसके जुड़े और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो डिस्कस कर लेते। तो देखिए द फर्स्ट वर्ल्ड बाइसाइकिल डे वॉज सेलिब्रेटेड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो वर्ल्ड बाइसाइकिल डे है फर्स्ट ऑर्गेनाइज कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किया था, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज यूनाइटेड नेशन। देखिए यूनाइटेड नेशन का बात हुआ है तो पिछले सेशन में भी यूनाइटेड नेशन का डिस्क्राइब किए थे कि इसका स्टैटिक क्या क्या आ सकता है, और एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं, क्योंकि देखिए यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, आपका न्यूयॉर्क सिटी। सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है, एंटोनियो गुटेरेस। और यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945। और टोटल आपका मेंबर कितना है, टोटल मेंबर है 193। तो चलिए और एक क्वेश्चन क्या है बाइसाइकिल वर्ल्ड बाइसाइकिल डे के जुड़े में, तो देखिए व्हाट इज द लोगो ऑफ दिस डे, मतलब वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, तो देखिए लोगो क्या है, एन इमेज ऑफ व्हाइट एंड ब्लू कलर विथ साइक्लिस्ट राइडिंग अराउंड द ग्लोब विथ द इंस्क्रिप्शन #June3 वर्ल्ड बाइसाइकिल डे बिलो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडवोकेट जनरल ऑफ छत्तीसगढ़, किनको एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया छत्तीसगढ़ स्टेट में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए सतीश चंद्र वर्मा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सतीश चंद्र वर्मा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको लेकर डिस्कस कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ का जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया कि सतीश चंद्र वर्मा को एडिशनल मतलब एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, और किनको रिप्लेस करके, उनका नाम है कनक तिवारी। ठीक है, और ये जो मतलब एडवोकेट जनरल छत्तीसगढ़ का उनका नाम क्या है, दैट इज सतीश चंद्र वर्मा। उन्होंने प्रीवियसली काम किए थे एडिशनल एडवोकेट जनरल के रूप में। ठीक है, तो अगर छत्तीसगढ़ का बात हुआ है तो छत्तीसगढ़ का जो स्टैटिक मतलब एग्जाम में पूछा जाता है उसको लेकर नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, उनका नाम है भूपेश बघेल। ठीक है, गवर्नर का नाम क्या है, उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पार्क्स मतलब नेशनल पार्क्स छत्तीसगढ़ में क्या क्या है, इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है, कंजरवाली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क जिसको संजय नेशनल पार्क में जाना जाता है, और 3 एयरपोर्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कौन सा स्टेट में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज छत्तीसगढ़। ठीक है, और 2 एयरपोर्ट है उसका नाम है बिलासपुर एयरपोर्ट और रायगढ़ एयरपोर्ट। तो चलिए इस सेशन का जो थर्ड क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, किनको इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ई अजीत डोवल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज अजीत डोवल, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में किनको नियुक्त किया गया, उनका नाम है अजीत डोवल, और उसके साथ अजीत डोवल का जो कैबिनेट रैंक है क्या हुआ है, अपग्रेड हुआ है। क्यों अपग्रेड हुआ है, देखिए 2016 में जो उड़ी अटैक हुआ था तो उसमें जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उसको डेलीगेट कौन किए थे, उनका नाम है अजीत डोवल। तो इसीलिए क्या हुआ, उनका जो आपका कैबिनेट रैंकिंग है उसका अपग्रेड हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एक्सिस बैंक, मतलब किनको एक्सिस बैंक में चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया,
तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ई राकेश मखीजा. इसका आंसर क्या हो जाएगा दैट इज राकेश मखीजा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है कि राकेश मखीजा उनको चेयरमैन के रूप में एक्सिस बैंक में नियुक्त किया गया. ठीक है, और उन्होंने 3 साल के लिए चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुआ है. उनका जो ज्वाइनिंग डेट है आपका 18 जुलाई 2019 टू 17 जुलाई 2022. उनका जो टेन्योर है मतलब 3 साल का जो टेन्योर है आपका स्टार्ट हो रहा है कब से 18 जुलाई 2019 टू 17 जुलाई 2022. ठीक है, उन्होंने क्या किया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम किया है टाटा हनी वेल लिमिटेड में. ठीक है, अगर एक्सिस बैंक का बात हुआ है तो देखिए एक्सिस बैंक का जो स्टैटिक जीके एग्जाम के लिए बन सकता है मतलब एग्जाम में पूछा गया था और एग्जाम के लिए बन भी सकता है वो क्या है एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दैट इज मुंबई. और एक्सिस बैंक का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनका नाम क्या है दैट इज अमिताभ चौधरी. ठीक है, और बैंक का टैगलाइन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो एक्सिस बैंक का जो टैगलाइन उस टैगलाइन का नाम क्या है दैट इज बद्दी का नाम जिंदगी. ठीक है, और देखिए इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हुआ है क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है इसीलिए क्या उनका नाम क्या दैट इज राकेश मखीजा को चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुआ है एक्सिस बैंक में. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बात हुआ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टैटिक एग्जाम के लिए बन सकता है उसको लेकर डिस्कस कर लेते हैं. तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट मतलब एस्टेब्लिश कब हुआ था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दैट इज 1 अप्रैल 1935 एक एक्ट का द्वारा. उस एक्ट का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. ठीक है, तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब एस्टेब्लिश हुआ था उस टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर था तो इसके आंसर क्या हो जाएगा दैट इज कलकत्ता. ठीक है, लेकिन 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर कलकत्ता से शिफ्ट होकर कहां गया आपका मुंबई में. ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब नेशनलाइज हुआ था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दैट इज 1 जनवरी 1949 एक एक्ट का द्वारा. उस एक्ट का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1948. ठीक है, और एक क्वेश्चन आ सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रेजेंट गवर्नर का नाम क्या है उनका नाम है शक्तिकांत दास. ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमाकर दे सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रेजेंट आपका गवर्नर है उनका नाम जो शक्तिकांत दास है उन्होंने कितना संख्या मतलब गवर्नर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दैट इज 25th गवर्नर. ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेप्यूटी गवर्नर का नाम क्या है. देखिए डेप्यूटी गवर्नर का नाम एक है एम के जैन. ठीक है, दूसरा नाम क्या है बीपी कानून को. तीसरा नाम क्या है वायरल भी आचार्य. और चौथा नाम क्या है एन एस विश्वनाथन. इस सेशन का जो 5th क्वेश्चन दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड मेक्सिकोज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. ठीक है, तो क्वेश्चन के मीनिंग क्या पूछा है कि इंडिया का कौन सा प्रेसिडेंट को क्या दिया मेक्सिको का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दिया गया तो इसके आंसर क्या हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी प्रतिभा पाटिल. प्रतिभा पाटिल जो इंडिया का फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनको क्या गया मेक्सिको का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उस अवार्ड का नाम क्या है दैट इज ऑर्डन मेक्सिकाना डेल अगुइला अजटेका इस अवार्ड को दिया गया. ठीक है, और इस अवार्ड जब मतलब दे रहा था उस टाइम क्या एम्बेसडर ऑफ मेक्सिको टू इंडिया मतलब उनका नाम क्या दैट इज मेलबा प्रिया उन्होंने उस मतलब अवार्ड जब सेरेमनी हो रहा था उस टाइम प्रेजेंट था. और प्रतिभा पाटिल जिन्होंने इंडिया का सेकेंड प्रेसिडेंट है जिनको इस मेक्सिको का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया इसके पहले किनको दिया गया था उनका नाम है एस राधाकृष्णन. तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है कि मेक्सिको का जो एम्बेसडर का नाम क्या है इंडिया का तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दैट इज मेलबा प्रिया. और प्रतिभा पाटिल का पहले जो मेक्सिको का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन से प्रेसिडेंट को दिया गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दैट इज एस राधाकृष्णन. ठीक है, देखिए मेक्सिको का बात हुआ है तो इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसका कैपिटल का नाम क्या है दैट इज मेक्सिको सिटी. और करेंसी का मतलब मेक्सिको में कौन सा करेंसी चलते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दैट इज मेक्सिकन पेसो. ठीक है, और देखिए प्रतिभा पाटिल जिन्होंने किया हुआ है इंडिया का पहला वोमेन प्रेसिडेंट है
और उन्होंने कितना साल का प्रेसिडेंट था उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दैट इज 12th. इस सेशन का जो 6th क्वेश्चन डैश बिकम द इंडियाज मोस्ट प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तो इसमें देखिए पांच ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑप्शन बी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑप्शन सी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑप्शन डी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑप्शन ई नन ऑफ दिस तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन तो देखिए ऑयल इंडिया का जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो है इंडिया का फर्स्ट मतलब मोस्ट प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कंपनी है ठीक है ये जो आपका डेटा दिया हुआ है 31 मार्च 2019 तक मतलब ओएनजीसी मोट रिपोर्टेड ए 34% जंप इट्स नेट प्रॉफिट मतलब इसका जो टोटल प्रॉफिट हुआ था 31 मार्च 2019 तक प्रॉफिट कितना हुआ 26,716 करोड़ और उसमें देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो नेट प्रॉफिट हुआ था वो है 17,274 करोड़ तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है उसको क्या हुआ उसको बीट करके इन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन क्या हो गया इंडिया का मोस्ट प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तो देखिए ओएनजीसी का बात हुआ है तो इसमें से स्टैटिक के लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है तो देखिए ओएनजीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज दिल्ली मतलब दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और चेयरमैन का नाम क्या है दैट इज शशि शंकर ठीक है और एस्टैब्लिश कब हुआ था मतलब ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन कब एस्टैब्लिश हुआ था उसका आंसर हो जाएगा दैट इज 14th August 1956 इस सेशन का जो 7th क्वेश्चन एलिफेंटा फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी मतलब एलिफेंटा फेस्टिवल जो है कौन सा सिटी ऑर्गेनाइज किया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी मुंबई तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी मुंबई तो देखिए एलिफेंटा फेस्टिवल क्या है एक दो दिन का एक फेस्टिवल है क्या है एक आर्ट एंड कल्चरल फेस्टिवल है इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कौन किया है महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ठीक है तो देखिए कहां पर ऑर्गेनाइज किया है एलिफेंटा घरापुरी एलिफेंटा घरापुरी बोले बोलकर एक आइलैंड है वहां पर इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया है तो देखिए इस फेस्टिवल को क्यों ऑर्गेनाइज किया है मुंबई में जो टूरिज्म एंड कल्चरल डिपार्टमेंट है उसको डेवलपमेंट करने के लिए उसको प्रमोट करने के लिए इस डे मतलब इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया है ठीक है और ये जो फेस्टिवल है इनोग्रेट कौन किया है जो आपका गेटवे ऑफ इंडिया मतलब मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया बोला जाता है तो मुंबई का जो आपका टूरिज्म मिनिस्टर है उनका नाम है दैट इज जया कुमार उन्होंने इस फेस्टिवल को इनोग्रेट किया है तो देखिए अगर इस फेस्टिवल का बात हुआ है मतलब एलिफेंटा फेस्टिवल का बात हुआ है तो इस फेस्टिवल के जुड़े और क्या क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं तो इस फेस्टिवल का थीम क्या है फेस्टिवल का थीम है आपका स्वारंग ठीक है और एलिफेंटा केप लोकेटेड ऑन दिस आइलैंड आर ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये जो एलिफेंटा जो आपका घारापुरी जो आपका आइलैंड है इस आइलैंड क्या है आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ठीक है और देखिए एलिफेंटा फेस्टिवल कब फर्स्ट स्टार्ट हुआ था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दैट इज 2012 ठीक है देखिए महाराष्ट्र मतलब मुंबई कौन सा स्टेट का आपका डिस्ट्रिक्ट है तो है महाराष्ट्र देखिए महाराष्ट्र का अगर बात हुआ है तो इसको जुड़े और क्या स्टैटिक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकता है उसको लेकर डिस्कस कर लेते हैं देखिए महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है उनका नाम है दैट इज देवेंद्र फडणवीस ठीक है गवर्नर का नाम क्या है सी विद्यासागर राव और इसमें देखिए तीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है दैट इज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जब एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि हिल्टन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा स्टेट में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दैट इज महाराष्ट्र और देखिए नेशनल पार्क्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं महाराष्ट्र का जो नेशनल पार्क है वो क्या क्या है एक चंडोली नेशनल पार्क कौन सा स्टेट में है महाराष्ट्र ठीक है पेंच नेशनल पार्क गुमाला नेशनल सॉरी
गुगामल नेशनल पार्क, आपका टाडोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, ये जितने सारे नेशनल पार्क बताया, ये कौन सा स्टेट में दिखा जाता है, सिचुएटेड है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज महाराष्ट्र। ठीक है, और देखिए महाराष्ट्र का दो सिटी है पुणे और मुंबई, ये दोनों सिटी कौन सा रिवर का ऊपर में आपका सिचुएटेड है, क्वेश्चन में बार बार पूछा गया और आगे आगे वाला जो एग्जाम होगा उसमें पूछा जा सकता है। देखिए पुणे सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर, मतलब पुणे जो सिटी है महाराष्ट्र का वो कौन सा रिवर का बैंक ऊपर में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज मूला मुठा। ठीक है, और मुंबई सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर, मतलब मुंबई जो सिटी है कौन सा रिवर का बैंक ऊपर सिचुएटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज मिठी रिवर। इस सेशन का जो एट क्वेश्चन क्या पूछे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एशिया, मतलब किन को बैडमिंटन एशिया में प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एंटन आदित्य सुबो। ठीक है, एंटन आदित्य सुबो कौन सा कंट्री का है, इंडोनेशिया का, तो इंडोनेशिया कंट्री का क्या एंटन आदित्य सुबो को फिर से बैडमिंटन एशिया में प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया 4 साल के लिए। तो देखिए देयर वर 7 पीपल हु आर सिलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट, ये जो इसमें और भी 7 पीपल जो है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुआ है। तो देखिए इंडियाज बैडमिंटन एशिया जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है हेमंत बिश्व शर्मा, उनको इस जो 7 पीपल है इसमें से एक मतलब फेमस पर्सन है। इस सेशन का जो 9th क्वेश्चन क्या पूछा है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट, तो इसमें देखिए 5 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 3 जून, ऑप्शन सी 6 जून, ऑप्शन डी 31 मई, ऑप्शन ई 4 जून, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ई 4 जून, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दैट इज 4 जून। देखिए द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन जो डे है इस डे को कब मनाया जाता है, 4 जून। इस डे को कौन ऑर्गेनाइज किया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 19th अगस्त 1982। ठीक है, और ये जो आपका डे है किस लिए मनाया जाता है, एक पर्पस है, इस पर्पस का किया एक्नोलेज द पेन सपोर्ट बाय चिल्ड्रेन थ्रू आउट द वर्ल्ड हु आर द विक्टिम्स ऑफ फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल अब्यूज। इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन दैट इज 10th क्वेश्चन क्या पूछा है, फिनेंशियल लिटरेसी वीक टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग फ्रॉम व्हिच डेट टू व्हिच डेट, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है, फिनेंशियल लिटरेसी जो वीक है वो कौन सा दिन से कौन सा दिन तक मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी 3rd June to 7th June। तो देखिए फिनेंशियल लिटरेसी वीक 2019 कब मनाया जा रहा है, आपका 3rd June to 7th June, और ये जो आपका 2019 का जो इन आपका फिनेंशियल लिटरेसी वीक का आपका थीम क्या पूछा, थीम क्या है, तो उस टाइम इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दैट इज फार्मर्स। ये जो आपका फिनेंशियल लिटरेसी वीक जो है क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि बैंकिंग का जो फॉर्मल आपका सिस्टम है इस सिस्टम को फार्मर्स के पास पहुंचने के लिए इस वीक को मनाया जाता है, कि ये वीक क्या है, फिनेंशियल लिटरेसी वीक कब मनाया जाता है, 3rd June to 7th June, और 2019 का इसका थीम क्या है दैट इज फार्मर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टू गेट द लेटेस्ट अपडेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल दैट इज अविजन इंस्टीट्यूट, अविजन फॉर गवर्नमेंट जॉब। थैंक यू।